जदयू की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक में बिहार के जदयू के तमाम नेता जदयू कार्यालय पहुंच रहे हैं और जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही पहुंचे, सभी ने सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या कुछ होने वाला है। जदयू कार्यालय में वो पहुँचे हुए हैं, ललन सिंह पहुँचे हुए हैं, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुँचे हुए हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या कुछ फैसला होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बातचीत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गई है, तो सुनिए नीतीश कुमार की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई। सारे देश के लोग आएंगे, कैसे कहां पर करें, जो मीटिंग होगी या बैठक होगी उसी के लिए था, वही हम देखने आ गए हैं और कल से तो यही रहेंगे, यही हम लोगों की पार्टी की मीटिंग है और फिर सदस्यता अभियान को भी शुरुआत करने का है। सब सदस्यता अभियान सर, काफी लोग की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने कराने की, लगा रहे हैं, सबको छोड़ दीजिए। तो आपने सुना नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, किस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जायजा लेने पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ फैसला निकल के आएगा, क्या कुछ बैठक में होगा, इन तमाम बातों को देखा जाएगा। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हम तो सबको चुप करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उम्मीदवारी को लेकर के कोई भी हमारी मंशा नहीं है, उम्मीदवार कौन होगा ये तो वक्त आने के बाद ही तय होगा। लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली है, कुछ ज़्यादा बोला नहीं है। इसके पूर्व में जब के चंद्रशेखर राव जब तेलंगाना के सीएम पहुंचे थे, उस बारे में भी उम्मीदवारी को लेकर के सवाल उठा तो वो वहां से उठ के खड़े होकर चले गए थे। अब लगातार नीतीश कुमार के उम्मीदवारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके पूर्व में कल ही बीती शाम नीतीश कुमार के पार्टी कार्यालय के बाहर में, यानी कि जदयू कार्यालय के बाहर में 5 पोस्टर लगाए गए, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसकी भी खबरें हम आपको दिखाएं कि नीतीश कुमार के जब जदयू के लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि उम्मीदवारी की कोई बात नहीं है, पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं नीतीश कुमार, पार्टी बाद में तय करेगी, लेकिन उसके बाद देखा आपने किस तरीके से शाम के वक्त में दफ्तर, जदयू दफ्तर के बाहर में अंदर में 5 तस्वीरें, कोटेशन जो था वो लिखा हुआ था उनमें, प्रदेश में दिखा है देश में दिखेगा, यानी कि ये कोटेशन जो है सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए वायरल हो रहा है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में उनका कार्यकाल दिखा है और अब देश में दिखेगा, यानी कि स्पष्ट रूप से जहाँ एक तरफ जदयू भले ही मीडिया में बातें कह रही हो कि नीतीश कुमार उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अपने पोस्टरों के माध्यम से, अपने स्लोगनों के माध्यम से वो ये संदेश पहुंचा रही है कि आने वाले दिन में नीतीश कुमार ही उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरा जो कोटेशन है, आश्वासन नहीं सुशासन, आश्वासन यानी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर में ये सवाल किया जा रहा है कि लगातार नरेंद्र मोदी तमाम बातें कहते हैं, 15 लाख पैसे की बातचीत हो चाहे काला धन की बातचीत हो, तो इससे वो लोगों को आश्वासन देते हैं, तो नीतीश कुमार भी इन पे उन्होंने कटाक्ष किया है कि आश्वासन नहीं सुशासन है, यानी कि नीतीश कुमार अपनी बातें जो हैं वो रखेंगे अगर बनते भी हैं। और भी तमाम चीज़ें हैं, जुमला नहीं हकीकत है, आगाज़ हुआ है, और साथ ही साथ मन की बात नहीं दिखेगा, इन तमाम कोटेशनों के साथ जदयू जो है वो तैयारी कर रही है, लेकिन अंदर खाने में ये चर्चाएं तेज हैं और मीडिया में सवाल कुछ और जवाब कुछ और दिया जाता है। तो नीतीश कुमार ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके तमाम पार्टी के लोग इस तरह के मन में बैठा लिए हैं कि नीतीश कुमार को उम्मीदवारी देना है, तय करना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।